आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। दरअसल साथियों, आप सभी में से कुछ साथियों के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि मीडिया या फिर पत्रकार के द्वारा किसी भी प्रकार से शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो प्रबलता से नहीं रखा जाता, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता। लेकिन साथियों, ये जो बातें हैं ये पूर्णतया सत्य नहीं है, क्योंकि रिसेंट में ही कुछ ऐसे ही लाइव कॉन्फ्रेंस देखने को मिले हैं जहां पर शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है वो बहुत ही तेजी से उठाया गया, बहुत ही प्रबलता से उठाया गया। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की, यानी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने रिसेंट में ही शिक्षा मित्रों का जो मुद्दा है, उनके अल्प मानदेय का जो मुद्दा है, वो सीधे ही सरकार के सामने रखा है। सरकार से सवाल किया है कि आखिर इतने अल्प मानदेय में शिक्षा मित्र अगर बजट तैयार कर भी अपना जीवन यापन करें तो किस प्रकार से कर पाए। साथियों, आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी क्लिप अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की, तो आप सभी उसे जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। तो जाएगा नहीं, उसके बाद दो व तीन बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध तो उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखे कि भाई 7000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए नहीं।